नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक टिकटॉक स्टार और हरियाणा पंजाब के मशहूर एक्ट्रेस और बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ा हुआ। गौरतलब है कि जिस तरह से सोमवार की देर रात उनको हार्ट अटैक हुआ गोवा में, उसके बाद से ये शक जाहिर किया जा रहा था कि आखिर इतनी कम उम्र में, 42 साल की उम्र में और इतनी फिट सोनाली कैसे हमको छोड़कर जा सकती है। हालांकि आजकल अनकॉमन नहीं रह गया, कई बड़े स्टार जो बहुत कम उम्र के थे वो चले गए, लेकिन सोनाली फोगाट की मौत को लेकर जिस तरह से शक जाहिर किया जा रहा था, अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से हुआ है। उनकी बहन रूपेन का कहना है कि सोनाली का कल सुबह भी मेरे माँ के पास फ़ोन आया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कोई करवा रहा है, मेरे खाने में कुछ ना कुछ दिक्कत है, मुझे अपने खाने में कुछ लग रहा है कि किसी ने कुछ मिला दिया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ सुबह नहीं बल्कि शाम को भी उसने अपनी माँ को फ़ोन करके ये कहा था कि मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे पीछे हैं और कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। यानी दो टाइम लगातार सोनाली ने अपने परिवार से अगर इस तरह से शक जाहिर किया था, तो इसका मतलब साफ है कि सोनाली की मौत के पीछे कोई ना कोई राज है। रूपेन के साथ साथ उनकी जो बहन है मनोज, उनका भी कहना है कि इनकी CBI जाँच होनी चाहिए, क्योंकि दरअसल परसों ही वो अपने फार्म हाउस पर आई थी और उसके बाद फिर पहले मुंबई और फिर गोवा गई, उसके बाद 27 तारीख को इसको वापस आना था। 22 से लेकर 25 तारीख का इनका शूटिंग का शेड्यूल था, उसके बाद इनको 27 को वापस आना था और वो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती थी। सिर्फ 13 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी DP बदली थी, जिसमें दबंग लेडी नई लेडी करके उन्होंने लिखा था। ये काफ़ी पॉजिटिव थी जिंदगी के प्रति और काफ़ी फिट भी थी, लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई हार्ट अटैक के वजह से, इसको लेकर तमाम लोग शक जाहिर कर रहे थे। लेकिन ये जो खुलासा परिवार की तरफ से हुआ है, ये खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है। साथ ही नवीन जैन जो पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि 13 दिन पहले जो सोनाली ने ट्वीट किया था कि कोई ये ना समझे कि शेरनी डर गई, अगर शेरनी 2 कदम पीछे रख रही है तो इसका मतलब है वो डरी नहीं है बल्कि वो तैयारी कर रही है शिकार की। यानी कौन था वो जो सोनाली फोगाट को डरा रहा था। गौरतलब है कि आदमपुर से वो चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी, क्योंकि आदमपुर सीट पर जो है कुलदीप विश्नोई परिवार का 52 साल से कब्जा है और कुलदीप विश्नोई फिर से BJP में आ गई। हालांकि कुलदीप ने उनसे घर पर जाकर, फार्म हाउस पर जाकर मुलाकात भी की थी, लेकिन वो काफ़ी चर्चा में रही थी। तो इस पूरे मामले के पीछे अब तह तक जाना सरकार का काम है कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत की वजह क्या है। परिवार ने अपना शक जाहिर कर दिया और बता दिया कि ये मौत कॉमन नहीं है, और लगातार अगर सोनाली ने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा था कि मेरे खाने में गड़बड़ है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ, तो साफ जाहिर है कि इस मौत को आप नॉर्मल तरीके से नहीं ले सकते। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं लगातार इस पर अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नमस्कार।